सो ह्यू तो गाइस कैसे आप, तो मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हैं निक्कू व्लॉग्स। तो गाइस कल फाइनली हम निकल रहे हैं भाई कश्मीर के लिए और हॉन्टेड जगह पे जाएंगे। 24 आवर्स इन स्नो चैलेंज भी करेंगे, 24 घंटे बर्फ में रहेंगे। भाई गाइस एक सीन हो गया, कल रात को 1 बजे चाचा का कॉल आया मेरे पास। गाइस चाचा को बहुत बुरा वाला सपना आया मेरे बारे में, अभी चाचा के पास चलते हैं। बाकी गाइस आज हमें कश्मीर जाने की सारी तैयारी भी करनी है, बहुत सारी चीजें जो हमें लेके जानी है। अभी फिलहाल मैं खा रहा हूँ खाना, आज मम्मी ने बनाई है राजमा चावल। मेरा घर पता है, फिर आ जाओ घर पे। हेलो गोरिल्ला मैन, क्या सपना आया था कल रात को आपको? भाई सपना तो बहुत बुरा आया, कल रात को बुरा सपना आया चाचा को मेरे बारे में कि मेरे को गाइस कोई भूत उठा के ले गया सिताया से, और एकदम ले गए 3-4 मैं बाहर भागे अब तो नहीं ले गए। दूसरा सपना क्या आया? रेलगाड़ी थी, स्पीड में से गुड़ता गुड़ता गया मेरा, अब मतलब रेल के नीचे आ गया। भाई साहब गाइस कल रात को चाचा को दो बुरे सपने आए, एक तो मेरे को भूत उठा के ले गए और दूसरा गाइस चाचा ने रेल से टकरा गए और गिर गए। हिंट होते हैं आने वाले खतरे के। गाइस हो सकता है भाई हमें कोई हिंट मिल रही हो, कश्मीर जा रहे हैं, घोस्ट हंटिंग करने जा रहे हैं, चैलेंज करने जा रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। भालू शेर वगैरह भूत वगैरह येटी वगैरह कुछ भी उठा के ले जाए, तो हमें थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा कश्मीर। गाइस समझना भाई, बर्फ का घर भी बनाना है, तो उसके लिए मैं बर्फ काटने वाली आरी भी लेके आया हूँ। बर्फ काटने में यूज करनी है, तो अभी इसको चेक करके आ रहे हैं। अभी भाई जंगल के अंदर आए हैं, मशीन चेक करके देखते हैं। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? पेड़ मत काट, पेड़ नहीं काटते। इधर देखो, इधर। तेरे को किसने सिखाया पेड़ काटना? तुम्हारे स्कूल में सिखाते नहीं कि पेड़ नहीं काटते? पता कितने सालों में पेड़ उगते हैं? इस पेड़ की टहनी ना भाई पूरी खराब हो रखी है, ये वाला हिस्सा पूरा खराब हो रखा है। खराब वाले हिस्से को काट दो। ओ भाई साहब मशीन कितनी पावरफुल है, टच करते ही कट गया। ये पेड़ पूरा खराब था, कोई ऐसा जला हुआ है, बाकी चीजें तो हरी भरी है इस पूरे पेड़ की, ये हिस्सा खराब था। ये तो पूरा पेड़ ही काट रहा था, गलत बात है। ध्यान रखना पेड़ कभी नहीं काटते, अगर पेड़ की कोई टहनी वगैरह खराब हो जाए ना तो टहनी काट दो, पर पेड़ मत काटना। पेड़ को ना कई साल लगता है उगने में। बिल्कुल बर्फी की तरह काट दिया, आसानी से बर्फ काट काट के बर्फ का घर बना देंगे कश्मीर में। तो गाइस अभी एक सीन हो गया, फाइनली भाई मैंने मन बना लिया था चीनू को साथ में ले जाने का कश्मीर, पर गाइस अब पता चल रहा है गाइस ये ना भाई स्कूल में अपना नाम लिखवाया है, फेयरवेल में डांस करेगा तो उसको लेके नहीं जा सकते, इस बार तेरे बिना जाते हैं। अबे छुट्टी नहीं मार सकता, मैम ने साफ मना किया है। जा डांस की प्रैक्टिस कर ले, कोई नहीं चीनू इस बार तेरे बिना जाएंगे। तो तूने नाम क्यों लिखवाया भाई, रो क्यों रहा है भाई यार, कल सुबह निकलना है यार हमें। 9 बजे स्कूल खुला होता है, मना कर गया इधर स्कूल में, फंस गया तो काम का ही। मेरा तो मन बन गया था ले जाने का, स्कूल में नाम लिखवा दिया इसलिए रो रहा है। चीनू नहीं बोल सकते भाई। गाइस अभी फिलहाल हम शॉपिंग करने जा रहे हैं कश्मीर की, इस बार तो भाई हम किसी रेस्टोरेंट पे या फिर ढाबे पे कहीं खाएंगे नहीं, हम सारा खुद ही बनाएंगे। चाचा को सारा खाना बनाना आता है, पूरे बर्तन वगैरह गैस चूल्हा सब लेके जा रहे हैं। मम्मी थोड़ी है इधर भाई, जा थोड़ी देर कश्मीर, छुट्टी नहीं करा सकते। ये देख लो गाइस फोन मिलाया जा रहा है टीचर के पास, भाई हम बात नहीं करेंगे, बता रहा हूँ मैं बात नहीं करूंगा, फोन काट दो फोन काट दो। चीन हुआ को सब जगह जाना होता है क्या? तो गाइस अभी हम आए भाई महिंद्रा शोरूम में, पीछे वाली सीट हटवा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा सामान आ जाएगा। सीट तो खुलवा ली है, घर जाके उतार देंगे सीट को, अभी ना बाकी का सामान लेने जा रहे हैं। और गाइस ये देखो भाई ये गोरैया है, यहाँ पे हमारा होली का मीटअप है, यहाँ पे आ जाना सारे। ओ भाई साहब ये देखो गाइस एंडेवर टायर, देखो भाई साहब एंडेवर के कितने मस्त लग रही है भाई साहब। और गाइस ये देखो भाई RX 100, ये ना भाई 90s के जमाने की ना बहुत खतरनाक बाइक थी, इसको ना भाई सरकार ने भी बंद कर दिया था, इतनी ज्यादा तेज भागती थी, इसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है, 7 सेकंड में ना 100 पे चढ़ जाती है ये बाइक। तो गाइस मेरे को ना भाई डर्ट बाइक लेनी थी, तो मैं सोच रहा हूँ भाई मैं भी RX 100 ले लूं। गाइस ये बाइक ना भाई जल्दी से मिलती नहीं है, पूरी लेजेंड बाइक है, इसको ना मॉडिफाई करवा लेंगे ना तो बहुत मस्त लगेगी। कमेंट करके बताने भाई RX 100 लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। चल सामान लेते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा आटा, रोटी बनाएंगे ना वहाँ पे। ये देख लो गाइस मैगी भी ले रहे हैं, स्पाइसी नूडल भी ले लेते हैं ना। ओ भाई साहब कितने स्पाइसी, ये तो पूरा भर गया, पूरा ढक गया। भाई साहब पूरा घुमा दिया। तो गाइस हमने फाइनली बहुत सारा सामान ले लिया कश्मीर के लिए, ये देख लो गाइस कितना सारा सामान ले लिया, मतलब पूरा बैकअप हो गया हमारे लिए। अभी फिलहाल 6:30 हो गया है, क्या हो गया चीनू? प्लीज तो भाई बहुत ज्यादा रोने लग रहा है, मेरे को भी लेके जाओ। कश्मीर
रिस्क है जिनू, बहुत ज्यादा माप। भाई तूने नाम भी लिखवा दिया तो भाई सामान तो ले लिया है। ओ ये क्या बन गया? ओ भाई साहब कैसा लग रहा है ये तो? तो गाइस अभी बिल करवा रहे हैं। गाड़ी की सीट खोल ली है ना ले ना, ये देख लो गाइस रोने लग रहा है। पहले तो नाम लिखवा दिया स्कूल में, अब रोने लग रहा है। सारे कपड़े पैक कर दो, चीनू के नहीं करने, सिर्फ चाचा के करने हैं। टीचर के पास कॉल कर दिया भाई साहब। गाइस चीनू ने अपने टीचर के पास कॉल कर लिया बहुत बार, अगर टीचर ने फोन उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो इसको लेके नहीं जाएंगे। तो भाई ये चीनू का लास्ट चांस है, लास्ट चांस है इसके पास। नहीं उठाया भाई, तेरा चांस गया। ये देख लो गाइस बहुत ट्राई कर रहा है चीनू, टीचर फोन उठा ले डांस कैंसिल हो जाए, इससे क्या होगा? गाइस मैम फोन ही नहीं उठा रही भाई साहब। गाइस मैम ने फोन नहीं उठाया चीनू का। रो क्यों रहा है चीनू भाई, रो क्यों, रोता क्यों है यार? नहीं जाएगा तो कुछ हो जाएगा क्या? अब एक नॉर्मल कॉल करके देखते हैं। स्विच ऑफ है। ये बार बार मिलाया जा रहा है गाइस, ये मैम के पास बार बार कॉल मिलाया जा रहा है। माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैम को परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। ओ भाई साहब गाइस चीनू के टीचर का कॉल आ गया, ले बात कर कर कर। यस मैम। मैम वो घूमने जा रहा था और मैम मेरे डांस में सिलेक्शन, मैम थोड़े दिन का, मैम कोई दिक्कत तो नहीं है? परमिशन कितने दिन के लिए? मैम वन वीक। मैम। अरे कहना क्या चाहते हो? चल ठीक है मैं बोल लूंगी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। क्या हुआ क्या हुआ? अभी भी नाम कटवा लिया और वो आप नहीं लेके जा रहे? लेके तो जा रहा हूँ। मना कर रहे हो? इन दोनों ने बोल दिया कि लेके नहीं जा रहे तो इनकी मान ली। गाइस मैं तो भाई चीनू को देख के तरस आ रहा है, इसको खुद नहीं पता। अब ये गुस्सा कर रहा है इस पे। ओ भाई गाइस चीनू को समझ ही नहीं आ रहा खुश होना है या फिर दुखी होना है। इससे बर्फ कट जाएगी? लकड़ी तो कट जाती है, बर्फ भी कट जाएगी इसमें से। चेक करके देखो घर, साइड में ही बर्फ जमी हुई है। आहा, ठंडी। पूरी बर्फ जम रखी है। ओ भाई। भाई ये देख लो गाइस पिज्जा बन गया, लो पिज्जा खाओ। ये देख लो गाइस कितनी अच्छी तरीके से काट दिया, मस्त चीज है भाई। ईटे वगैरह आराम से बन जाएंगी ग्लू की। तो गाइस अभी 10:30 बज गए हैं। अच्छा बाय बाय चिक्कू, बाय अच्छी बाय चिक्की। गाइस चिक्की तो सोगी। तो गाइस फिलहाल मैं आ गया हूं घर पे और गाइस पापा तो सो चुके हैं। ये देखो गाइस मम्मी वेट कर रही थी हमारा, कब आएंगे। चीनू जा रहा है हमारे साथ में कश्मीर। गंदी तरीके से रो रहा था ना आज ये, इसके टीचर ने बोल दिया जा। गलत बात है भाई, देख लेना, देख लो चीनू मैं नहीं बोलूंगी, मेरे रोएगा तो ले जाओगे भैया इसको ऐसे ही। गाइस ये देखो भाई रिया पूरा मान रही है। गाइस रिया का भाई बहुत ज्यादा जाने का मन है ना, मैं चीनू से बोलूंगी। कह रही मैं चीनू से नहीं बोलूंगी। मेरे को पहले बोलता कि ठीक है दीदी दोनों नहीं जा रहे, हम साथ में रहेंगे। हम मेरे को पक्का पता था ये जाएगा। कैसे पता था? बस इसकी लास्ट में हो जाती है। हां जब इतना रोता है तो हां ही होती है ना। मैं भी रोने लग जाऊंगी तो भैया मेरे को भी ले जाओ भैया। गाइस रिया और चीनू की डील हुई थी कि तू भी मत जा मैं भी नहीं जाऊंगी, तो रिया कह रहे चीनू धोखा दे रहा है मेरे को। किसी के साथ इंसाफ नहीं, ना इंसाफ। चीनू भी दोनों धोखा दे रहे हो। मैं धोखा कहाँ दे रहा हूँ? इसको छोड़ जाओ, इसको छोड़ जाओ। कश्मीर या फिर दीदी का प्यार? गाइस रिया ने इसको बहुत गंदी वाली सिचुएशन दे दी। कह रहा मैंने नाम कटवा दिया डांस में से, तो दोबारा जुड़वा लियो नाम। तो नहीं जा रहा कश्मीर, कितनी अच्छी जगह है। बेचारा फंस गया, एक साइड दीदी का प्यार या एक साइड कश्मीर, क्या चुनोगे बताओ? नहीं जा रहा कश्मीर। अब दूसरी बार जाने के भी तो कह रहे थे, उस टाइम चल लूंगा। नहीं जा रहा फिर, देख ले। फैमिली में ना भाई सबका जाने का मन है, मम्मी पापा रिया चाची सबका। गाइस वहाँ पर भाई हम चैलेंज करने जा रहे हैं, तो जब गर्मियों में जाएंगे ना तब लेके जाएंगे सबको। तो चीनू कह रहा है जब दूसरी बार लेके जाऊंगा तब चला जाऊंगा, अब नहीं जा रहा। पक्का नहीं जा रहा? कल फाइनल है। अरे बाप रे, ओ ये क्या लिया आया? तो भाई फिलहाल मैं आ गया हूँ रूम में। गाइस मेरे को भाई चीनू का बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि ना इसने कश्मीर छोड़ दिया। मेरे बात बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, मैं इसको ना चेक कर रही थी सिर्फ, तो मेरे को पता लग गया। पर तू जाइयो ठीक है, पर आज मैं तोला ना। नहीं बात तो मेरा भाई, आज मैंने देख लिया तेरे को। तो भाई अभी फिलहाल 11:30 बज गया है, आज खाने में आलू मटर की सब्जी और रोटी, तो अभी खाते खाना और खाना खा के बात करते हैं आपसे।
तो गाइस फिलहाल सभी सो चुके हैं और अभी एक बज गया है। सारा सामान चार्ज पे लगा दिया है, सारी पैकिंग कर लिया है, कल सुबह निकलना है गाइस कश्मीर के लिए। बचपन से मन था जाने का, अब फाइनली जा रहा हूँ तो देखते भाई कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी गाइस अभी फिलहाल 1 बजे ऊपर टाइम हो गया है, अभी फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग, जल्दी से एडिट करते हैं। अभी फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।